इसका सेकंड नंबर देखिए, 46 का क्यूब प्लस 34 का क्यूब। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए जो है यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा, माइनस 3 AB इंटू में ए प्लस बी, ये लगा सकते हैं। या एक और काम यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, हम लोग इसे इसमें इसको किस तरह से प्रोसेस कर दें, ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, और प्लस में ए माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, इसको अप्लाई करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका फॉर्मूला कर सकते हैं, 2 इंटू में ए क्यूब, ठीक है, 2 इंटू में ए क्यूब, और फिर आपका हो जाएगा प्लस 3 AB² ये आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग चाहें तो इसे लिख सकते हैं 40 प्लस 6 का क्यूब, और यहाँ पर 40 माइनस 6 का क्यूब, ये हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला लगा देंगे तो हो जाएगा 2 इंटू में 40 का क्यूब और प्लस 3 इंटू में 40 इंटू में 6 का स्क्वायर, यही ना हो जाएगा जी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलिए तो ये 2 इंटू में यहाँ पर हो जाएगा 64 के ऊपर 30 और प्लस यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 होगा, और 36 में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 108, और फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग 40 से, तो आपका आ जाएगा 4320। 4320 में आप इसको ऐड कर दो 64,000 को, तो कितना आ जाएगा जी, 64,000 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 68 हो जाएगा, यहाँ 320, चलिए ये आ जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 136,640, ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से बना सकते हैं, इसको भी हम लोग चाहते हैं तो यहाँ पर ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब भी अप्लाई कर देते हैं, इसका होता है 2B³ और प्लस में, हो जाता है यहाँ पर कितना, तो प्लस में हो जाता यहाँ पर आपका, यहाँ पर 3 A² B, इसको अप्लाई कर देते तो ये वाला भी बन सकता था। चलिए नेक्स्ट देख